साथी की जरूरत उम्र के हर पड़ाव में रहती है, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद आपका जीवन साथी आपके अकेलेपन और उदासी को दूर करने में सबसे बढ़िया दोस्त साबित होता है। इसी क्रम में इंदौर में एक अनूठा परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 50 से 80 वर्ष की उम्र के लोग अपने जीवन साथी की तलाश में यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने वरिष्ठ नागरिक परिचय सम्मेलन में भाग लिया। यूँ तो आपने कई समाज द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन देखे होंगे, लेकिन इंदौर में आज एक अनूठा परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। अहमदाबाद के संस्था अनुबंध फाउंडेशन एवं रिजवान फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से वरिष्ठ नागरिकों का एक परिचय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। इस परिचय सम्मेलन में देश भर से सभी जाति वर्ग के 200 उम्मीदवारों ने भाग लिया। यह सभी उम्मीदवार 50 वर्ष से लगाकर 80 वर्ष तक की उम्र के बुजुर्ग प्रत्याशी के रूप में मौजूद थे। अहमदाबाद के अनुबंध फाउंडेशन के प्रमुख नागतुभाई पटेल ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या वृद्धों को प्यार करने एवं प्यार पाने का हक नहीं है? क्या वे अपना बचा हुआ जीवन घुट घुट कर जिए? इसी बात को ध्यान में रखकर हमने यह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। अभी तक हम 50 से अधिक उम्र के बुजुर्गों के विवाह करवा चुके हैं। अकेलापन देखा बेटी ने, इसलिए साथ में लेके आया मेरे को कि तो जीवन साथी होना चाहिए। इससे पहले जीवन अकेलापन तो रहता है, सब सारी समस्याएं हैं अकेलेपन की। घर में अगर कहीं जाना है, व्यापार व्यवसाय को जाना है छोड़ के, तो घर अकेला कैसे छोड़ के जाए? भाई जो काम करने वाली आती हैं सब, उनके लिए उनकी ड्यूटी देना, ये वो सब देखना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया। बस समस्या ये कि मेरे फादर अकेले हैं, तो कोई साथी उनके हो जाए बस। तो यहाँ शिविर में आपको कुछ आपकी मदद पसंद आई, जो होने वाली मदद होगी वो तो अब शुरू होना है, प्रोग्राम हुआ नहीं है जी। तो कैसा आपके दिमाग में आया इस तरीके का कि फादर जो के अकेले रहे, दिमाग में कैसा? एक्चुअली मेरी मदर को काफ़ी टाइम हो गया, एक्सपायर हो गए थे वो, और हम तीनों सिस्टर्स हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, तो दिखता है उनका अकेलापन दिखता है। मेरा नाम नटूभाई पटेल है, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। ये हमारा अनुबंध फाउंडेशन और रिजवान नरतिया फाउंडेशन की ओर से आज का सम्मेलन तय किया गया है। उसमें 50 से अधिक उम्र वाले के लिए परिचय सम्मेलन है। आजकल बच्चे के पास टाइम नहीं है, और रियल लाइफ स्टार्ट आफ्टर 60, वो किसको बोलेंगे हमको शादी करना है, प्यार करना है? तो वो एक हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उसमें कोई धर्म ज्ञाति का बंधन नहीं है, पूरा इंडिया से आ सकते हैं। उनको एक अकेलापन दूर करने का हमारा मिशन है। तो प्यार करना, शादी करना सीनियर सिटीजन का भी राइट है। तो एक मैं छोटा शेर सुना था, कौन कहते हैं बुजुर्ग इश्क नहीं करते, कौन कहते हैं सीनियर सिटीजन इश्क नहीं करते? इश्क तो करते, लेकिन कोई शक नहीं करते। तो ज़िंदगी में जो भी 5-10 साल 15 साल बचे, वो हंसी खुशी से प्रेम से बिता सकते, वो हमारा आइडिया है। हम चाहते हैं कि बेटी अपने पापा को लेके आए, बेटा अपनी मम्मी को लेके आए, बहू अपने ससुर को लेके आए, तो सहयोग से अच्छा नया जीवन साथी गुजार सकते हैं। और अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो 5-10 साल आयु बढ़ जाएगी, अगर नहीं मिलेगा तो कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया में फिर से शादी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हमारा मिशन है, पूरा इंडिया का। हमारे 159 शादी करवा चुके, और पूरा इंडिया के हमारे पास 13,000 से ज़्यादा बायोडाटा है। पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक, सभी इंडिया से, पूरे स्टेट से आ रहे हैं इधर। इसीलिए हम उनको बढ़ावा देने के लिए उनको आने जाने का फेयर भी देते हैं, होटल का खर्च भी दे रहे हैं, तो ताकि वो बाहर आए। हम वही चाहते हैं कि बेटी हम पापा हम को लेके आए, उनको समझाइए। तो ये एक हमारे प्रयास हैं। तो समाज को उसकी क्रिटिसाइज करेगी, सास के बाद क्या ज़रूरत है, लेकिन हम वही है कि बुढ़ा होगा तेरा बाप हम जवान है। तो एक फीलिंग होनी चाहिए कि हम नौजवान हैं, हमको शादी करना है, वो उसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई बीमार होता है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई पूछने को नहीं आता, लेकिन हमारा जीवन जो लाइफ पार्टनर ही सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए अपना नया जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और
मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़ी सहजता से उन्हें छोटी छोटी बातें बताई है जो उनको अनुभव मिला है, और बड़े सहजता से इस तरह से आपके दिलों तक वो बात पहुंचे, उसको निश्चित रूप से पहुंची होगी, आप उसको अंगीकार करिए।